हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई पूनम सोम वेलकम यू ऑल इन आवर यूट्यूब चैनल सिम्स ऑफिशियल। टुडे इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट द चैप्टर नंबर 4 ऑफ ज्योग्राफी, दैट इज एयर। सो लेट्स स्टार्ट इट। हेलो डियर ऑल, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट इंडियन मॉडल स्कूल। स्मार्ट इंडियन मॉडल स्कूल प्रेजेंट स्मार्ट इंडियन एडुफन क्लासेस। एडुफन ऑनलाइन क्लासेस इंक्लूड्स course studies of playgroup 2 class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY. Welcome back children. As you know that we have started the chapter air, and one introduction we have completed and heading also. Now we will start the new heading, that is new topic is structure of the atmosphere. कि एटमोसफियर जो है उसका ढांचा कैसे बनता है, उसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। आर एटमोसफियर इज़ डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस। हमारा जो एटमोसफियर है वो 5 लेयर्स में डिवाइडेड है, ठीक है, बटा हुआ है अर्थ के सरफेस से। मतलब अगर हम सरफेस की बात करें, नीचे के सरफेस की बात करें, तो वहाँ से 5 लेयर में बटा हुआ है। दीज आर ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर, ठीक। सो दीज आर द 5 लेयर्स ऑफ द एटमोसफेयर, ठीक। द फर्स्ट पॉइंट इज वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रोपोस्फेयर। दिस लेयर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमोसफेयर। इट्स एवरेज हाइट इज 13 किलोमीटर। ये सबसे इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर है हमारे एटमोसफेयर की, और इसकी जो हाइट है वो 13 किलोमीटर की है। द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट हेयर। जिस एयर को हम ब्रीथ करते हैं, ठीक है, जिसे हम सांस लेते हैं, वो एयर यहाँ पर मौजूद होती है। ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फिनोमिना लाइक रेनफॉल, फॉग एंड हेल स्टॉर्म अकर इन दिस लेयर। जनरली जो वेदर चेंज होता है, या फिर जैसे रेनफॉल होता है, बारिश होती है, फॉग होता है यानी कि कोहरा होता है, या फिर ओले गिरते हैं, ठीक है, वो सब इसी लेयर पर पॉसिबल होता है। अगर हम डायग्राम के थ्रू देखें तो देखो यहाँ पर क्या है, ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, हम कहाँ पर है, बिल्कुल डाउन में यानी कि एट द सरफेस। क्लियर। नाउ देयर इज़ द नेक्स्ट वन, स्ट्रेटोस्फेयर। अबव द ट्रोपोस्फेयर लाइज द स्ट्रेटोसोफेयर, ठीक है, बिल्कुल ट्रोपोस्फेयर के अपर पार्ट में स्ट्रेटोसोफेयर है। सी द फर्स्ट वन इज ट्रोपोस्फेयर, आफ्टर दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर। इट एक्सटेंड्स अप टू अ हाइट ऑफ 50 किलोमीटर। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 50 किलोमीटर, हमने पहले देखा था 13 किलोमीटर। एंड दिस लेयर इज़ ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम द क्लाउड्स एंड एसोसिएटेड वेदर फिनोमिनन। यहाँ पर जो ये जो लेयर है वो पूरी तरह से क्लाउड्स से फ्री होती है, और वेदर का यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मेकिंग कंडीशंस मोस्ट आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन। और इस लेयर पर हम क्या करते हैं, ईजिली ये जो कंडीशन है लेयर की, वो बहुत ज़्यादा सूटेबल होती है एरोप्लेन के फ्लाई करने के लिए, मतलब एरोप्लेन जहाँ पर फ्लाई करते हैं। वन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर इज़ दैट इट कंटेन्स अ लेयर ऑफ ओजोन गैस। एक और इम्पॉर्टेंट थिंग है कि जो स्ट्रेटोस्फेयर है, इस लेयर पर ओजोन गैस ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। वी हैव जस्ट लर्नड हाउ इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रेज। और हमने अभी पढ़ा था कि कैसे जो ओजोन लेयर है वो, या ओजोन गैस जो है वो हमें किस तरह से प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रेज। जो सन की रेज होती हैं, सन की जो किरणें होती हैं, ठीक है, उनसे हमें ओजोन जो गैस होती है वो एक लेयर बना देती है और वो हमें प्रोटेक्ट करती है। तो स्ट्रेटोस्फेयर पर एक तो क्या है कि दैट इज़ ऑफ हाइट 50 किलोमीटर, एंड द सेकेंड थिंग इज़ इट इज़ सुटेबल फॉर द फ्लाइंग एरोप्लेन, और वेदर का यहाँ पर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, ठीक, एंड इट हैज़ द लेयर ऑफ द ओजोन गैस। क्लियर। नाउ मेसोस्फेयर, दिस इज़ द थर्ड लेयर ऑफ द एटमोसफेयर। ये लेयर एटमोसफेयर की थर्ड लेयर है, ठीक, एंड इट लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फेयर। और ये हम जो मेसोस्फेयर है वो स्ट्रेटोस्फेयर के अबव में है, लाइक दैट। आप यहाँ पर देखोगे डायग्राम में तो स्ट्रेटोस्फेयर के बाद ऊपर आ जाती है मेसोस्फेयर। इट एक्सटेंड्स अप टू द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर। जो उसकी हाइट है वो 80 किलोमीटर है, एंड
meteorites burn up in this layer on entering from the space. इस लेयर पर जो मेट्रोइड्स होते हैं यानी कि उल्का पिंड जो होते हैं वो जब वो स्पेस से निकलते हैं तो इस लेयर पर आकर वो जल जाते हैं, ठीक है। जैसे वो यहाँ पर एंटर करते हैं दे स्टार्टेड टू बर्न। नेक्स्ट इज थर्मोस्फेयर, ठीक। थर्मोस्फेयर, इन थर्मोस्फेयर टेम्परेचर राइजेज वेरी रैपिडली। थर्मोस्फेयर पर क्या होता है कि जो टेम्परेचर है वो बहुत ही जल्दी बढ़ जाता है विद इंक्रीजिंग हाइट, और उसकी जो हाई मतलब जैसी हाइट है हाइट के अकॉर्डिंग बढ़ता चला जाता है। लोनोस्फेयर इज अ पार्ट ऑफ दिस लेयर। लोनोस्फेयर इस लेयर का थर्मोस्फेयर का एक पार्ट है, ठीक। इट एक्सटेंड्स बिटवीन 80 to 400 किलोमीटर, और जिसकी एक्सटेंड है जो उसकी एरिया है दैट इज 80 to 400 किलोमीटर। दिस लेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन, और ये जो लेयर है वो हमें रेडियो ट्रांसमिशन में भी हेल्प करती है। इनफैक्ट वास्तव में रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर। वास्तव में क्या होता है कि जो रेडियो की जो वेव्स होती हैं वो ट्रांसमिट करती हैं फ्रॉम द अर्थ, जब वो अर्थ से निकलती हैं और वापस यहाँ पर रिफ्लेक्ट होकर वापस अर्थ पर पहुँचती हैं, तो इसी लेयर से टच होकर वो वापस अर्थ पर पहुँच जाती हैं। एक्सोस्फेयर, हम यहाँ पर देखेंगे मेसोस्फेयर वाला, ठीक। मेसोस्फेयर जो हमने पढ़ा था तो वो यहाँ है, और इसी का एक पार्ट है वो था आपका लोनोस्फेयर, ठीक। नेक्स्ट इज एक्सोस्फेयर, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर। ये एटमोस्फेयर की सबसे ऊपरी परत है, ठीक, एंड इट इज़ नोन एज एक्सोस्फेयर। दिस लेयर हैज़ वेरी थिन एयर। इस लेयर पर बहुत ही कम हवा पाई जाती है। लाइट गैसेस लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन फ्लोट इनटू द स्पेस फ्रॉम हेयर। और यहाँ पर बहुत ही हल्की गैसें जैसे हीलियम और हाइड्रोजन यहाँ पर फ्लोट करती रहती हैं इनटू द स्पेस फ्रॉम हेयर, स्पेस की तरफ फ्लोट करती रहती हैं इस लेयर से। क्लियर? सो देयर इज़ अ सीक्वेंस, या हम कह सकते हैं कि देयर इज़ अ लेयर, जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो लेयर्स में बटा हुआ है, जो हम यहाँ पर कि स्टार्टिंग से इस क्या है आपका ट्रोपोस्फेयर, उसके अबव है स्ट्रेटोस्फेयर, नेक्स्ट इस यहाँ पर एक पॉज हो जाता है स्ट्रेट पॉज, फिर उसके बाद है मेसोस्फेयर, मेसोस्पॉज हो जाता है, उसके बाद है थर्मोस्फेयर एंड आफ्टर दैट एक्सोस्फेयर, ठीक है। तो हम कहाँ पर हैं, हम अभी डिपेंड करते हैं पूरा इस पर ट्रोपोस्फेयर पर, ठीक है। और यहाँ बस ये जो एरिया है दैट इज़ सुटेबल फॉर द एरोप्लेन या लाइक दैट, कि यहाँ पर ओजोन लेयर भी है दैट इज़ ऑल्सो रे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द सन रेज। बाकी जो है वो अपने मीन्स उनकी अलग अलग वैल्यू है, अलग अलग वर्क है, ठीक।